मधेपुरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संवाद का आयोजन कोसी प्रभारी डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कोसी प्रभारी डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने कार्यकर्ता संवाद के दौरान कहा कि दिल्ली व पंजाब में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल मॉडल देश का विकल्प बन गया है। अब बिहार में भी केजरीवाल मॉडल को जनता की मांग है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आवास योजना, राशन वितरण आदि बदहाल है। सोनू नामक एक बच्चे ने बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, नए विकल्प की तलाश कर रही है। वहीं अध्यक्षता कर रहे जिला प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि बिहार में आम आदमी पार्टी अब जनता की विकल्प बन चुकी है। मधेपुरा से संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, BNP न्यूज। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें हमारे बिहार का जोनल पदाधिकारी चंद्रभूषण बाबू आपके बीच में उपस्थित हैं। इन्हीं के द्वारा वहां का जो है कार्यक्रम के बारे में क्या हम लोगों को करना चाहिए, कैसे संगठन बनाना चाहिए, कैसे हमको बिहार वालों को ये बताना चाहिए कि आप हमारे साथ में जुड़ो, हम आपको सुरक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सारे चीज़ का, इसी के लिए एक संवाद कार्यकर्ता का आयोजन किया गया है। क्या नाम है सर जी? क्या नाम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार यादव। क्या मधेपुरा की समस्या के लिए आम आदमी पार्टी आगे आएगी? बिल्कुल आएगी, मधेपुरा की बिहार की समस्या के लिए आएगी, चूँकि मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार में ये 2024 में चुनाव भी लड़ने वाले हैं और बिहार में पूरी शक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बिहार को 9 जोन में बांटा गया है और उसमें सभी जगह जोनल पदाधिकारी आपके बीच में जो चंद्रभूषण बाबू हैं, ये खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और हमको जो है मधेपुरा का प्रभारी बनाया गया है और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के चैनल के सहयोग से और यहाँ के महान जनता के सहयोग से परिवर्तन जरूर होगी और इसमें तो मेहनत करना ही होगा। हम लोग थोड़ा सा 2014 की तरफ 12 की तरफ चलें, जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे और दिल्ली की जो स्थिति थी उस स्थिति को देखते देखते उन्होंने एक NGO की गठन की और उस NGO से काम करते करते अन्ना साहब के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद अंदर की आत्मा उसे जगी कि अगर हम ऑफिसर हैं तो हमें सिर्फ अपना ही परिवार को चला सकते हैं, अगर हम में क्वालिटी है तो हम एक सभा को, एक समाज को भी सुधार सकते हैं और इसी हौसला को लेकर करके उन्होंने 12 में अपना पद से इस्तीफा दिए और इस्तीफा दे कर करके मात्र 5 आदमी से उन्होंने मोहल्ला में घूमना शुरू किया, जबकि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और BJP का वहाँ पर घर ही कहा जाए, घर ही है और वहाँ पर जब वो घूमते थे तो लोग हंसा करते थे। आज तो बिहार में उसके सिवा समझिए कि 100 गुना अच्छा पोजिशन है, शायद ही हमको लगता है इस ऑडियंस में या बिहार के कोई आदमी होगा जो कि उनके